नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप प्राइवेट सर्फिंग एक्सेस VPN को अपने मोबाइल के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हो। तो गाइज, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किसी अदर कंट्री के सर्वर को हम अपने मोबाइल में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो गाइज आज की इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको प्राइवेट VPN एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है, इसलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, प्राइवेट VPN एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको करना क्या होगा, यहां पर दोस्तों आप ऊपर की साइड में देख सकते हो, आपको फास्टेस्ट लोकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप नीचे की साइड में देख सकते हो, आपको कुछ सर्वर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें आप क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और गाइस, रैंडमली किसी फास्टेस्ट सर्वर को अगर आपको कनेक्ट करना है, तो फास्टेस्ट लोकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से किसी भी रैंडमली फास्टेस्ट सर्वर को कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर हम फास्टेस्ट लोकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो, हमारा जो VPN सर्वर की कनेक्टिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारा जो VPN सर्वर है वो यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारा जो VPN सर्वर है वो रैंडमली यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको स्पीड स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, चेंज सर्वर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको स्पीड स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप इसकी स्पीड वगैरह आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आप इसकी डाउनलोडिंग की स्पीड भी चेक कर सकते हो, अपलोडिंग की स्पीड भी चेक कर सकते हो। और गाइज, अगर आप सर्वर को चेंज करना चाहते हैं, तो गाइज यहाँ पर आपको फास्टेस्ट लोकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप सर्वर भी चेंज कर सकते हो। और गाइज, अगर आप इस एप्लीकेशन से इस VPN को यूज़ करने के बाद फिर डिसकनेक्ट करना चाहते हैं, तो गाइज यहाँ पर आपको नीचे की साइड में डिसकनेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करके इसे डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर मैं डिसकनेक्ट कर देता हूँ। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारा जो VPN सर्वर है वो यहाँ से डिसकनेक्ट हो चुका है। तो गाइज, कुछ इस तरीके से आप प्राइवेट VPN एप्लीकेशन के अंदर किसी भी अदर कंट्री के फास्टेस्ट सर्वर को यूज़ कर सकते हो। तो गाइज, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।